गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पीचिपिंग में अनुश्री। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सेफ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज कल आप सबको पता है मानसून सीज़न चल रहा है हमारा, और मानसून सीज़न के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का मैं सल्यूशन लेके आई हूँ आज यहाँ पे। तो आज मैं लेके आई हूँ यहाँ पे मेकअप हैक वीडियो हमारे मानसून के लिए, कि हमें मानसून में किस तरीके का मेकअप करना चाहिए ताकि वो हमारा लॉन्ग लास्टिंग रहे, और अगर हम बारिश में भीग जाते हैं तो वो हमारा मैसी भी ना हो या ख़राब ना हो, और हमारा फेस अजीब सा ख़राब ना लगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं क्या क्या हैक्स होने वाले हैं तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको बताती जाऊँगी, हैक्स बताती जाऊँगी, एंड उसको मैंने कैसे यूज़ कर रही हूँ वो भी बताती जाऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे, एंड गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा मिनिमल मेकअप यहाँ पे करा है। ये ऐसा मेकअप है आप कॉलेज में, आप ऑफिस में, आप किसी ओकेजन में भी आपकी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल मेकअप है, और अगर आप बारिश में भीग भी जाते हैं ना तो ये आपका बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा। ये इस तरीके का मेकअप आज मैंने करा है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। तो फर्स्ट हैक से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट हैक से। तो फर्स्ट हैक हमारा होने वाला है टोनर, क्योंकि मानसून सीज़न है, चिपचिप का मौसम है, तो टोनर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लगाने के बाद टोनर को ड्राई आउट होने के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि हमारा जो फेस है वो मॉइस्चराइज रहे फुल डे। सो मूव ऑन कर लेते हैं हम अपने सेकेंड हैक पे। सेकेंड हैक में हमें कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है, हमें लगाना है यहाँ पे जेल। फेस जेल्स जो होते हैं हमें वो अप्लाई करने हैं ताकि वो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे फेस को बिल्कुल भी ग्रीसीनेस या चिपचिप ना हो। ये बहुत ही बढ़िया हैक है। आप कोई भी स्किन टाइप में आप जेल्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग अच्छे वाले भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो ये हैक ज़रूर यूज़ करिएगा। मूव ऑन करते हैं थर्ड पे। तो थर्ड वन है हमारी, हमें कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाना है यहाँ पे, हमें सिर्फ और सिर्फ कंसीलर से अपना बेस क्रिएट करना है। अगर आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप फुल फेस पे कंसीलर लगा सकते हैं, और अगर डार्कनेस नहीं है तो आप सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी अपने अंडर आइज के नीचे लगाइए एंड माउथ के अराउंड लगाइए, एंड दैट्स इट। उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए, तो आप देखेंगे आपका मेकअप जो है पूरा दिन एज इट इज़ रहेगा और बारिश में भीगने पर भी नहीं निकलेगा। तो ये हैक भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हमारा जो बेस है वो क्रिएट होगा यहाँ पे। मैंने ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमल कवरेज वाला फाउंडेशन है, आप चाहें तो फुल कवरेज भी ले सकते हैं, और आप देखेंगे काफ़ी सुंदर इससे मेरा बेस क्रिएट होगा। अब मूव ऑन करते हैं फोर्थ हैक पे। तो फोर्थ हैक है हमारा पाउडर सेटिंग। हमें पाउडर सेटिंग ज़रूर करनी है। मैं यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश लेके और अपने पाउडर को अच्छे से पूरे अपने बेस को सेट कर लूँगी ताकि वो एज इट इज़ रहे और लॉन्ग टाइम तक स्टे करे फेस पे। अच्छे से उसको अच्छे से हम अपने स्किन पे लगा लेंगे। अब मूव ऑन करते हैं फिफ्थ पे। तो फिफ्थ है क्या मेरा, हमें आई शेडो लगाना है, या तो हम कोई भी लिक्विड आई शेडो लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे लाइट कलर के आई शेडो। हमें कोई भी डार्क कलर का आई शेडो नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम बारिश में भीग जाएंगे ना तो डार्क कलर का आई शेडो आपका निकल जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, आपका फेस भी ख़राब हो सकता है उससे पूरा। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, या तो आप लिक्विड आई शेडोज़ यूज़ करिए या फिर आप यूज़ करिए लाइट कलर के आई शेडोज़। अगर वो निकलेगा भी तो आपका फेस बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा। हम मूव ऑन करते हैं सिक्स्थ हैक पे। सिक्स्थ हैक है मेरा काजल को लेके। तो काजल को लेके मेरा है क्या है, या तो आपको यूज़ करना है वाइट और स्किन कलर का काजल अपने अंडर आइज में, ब्लैक काजल आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ब्लैक काजल लगाएंगे और अगर वो स्मज हो गया तो आपका पूरा फेस का जो बेस है वो ख़राब हो सकता है और आपका पूरा फेस ब्लैक ब्लैक लग सकता है यहाँ पे बारिश में भीगने के बाद। तो आपको क्या करना है, वाइट काजल यूज़ करना है या फिर यूज़ करना है कोई भी जेल काजल। जेल काजल जो हमारे होते हैं वो स्मज प्रूफ होते हैं। अब मूव ऑन कर लेते हैं सिक्स्थ पे। तो सिक्स्थ के लिए यहाँ पे मेरे पास है लाइनर के लिए। तो हमें लाइनर के लिए क्या करना है, हमें कोई भी पेन लाइनर यहाँ पे या काजल नहीं यूज़ करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है जो हमारे जेल काजल्स आते हैं वो, क्योंकि वो हमारे स्मज प्रूफ होते हैं और काफ़ी देर तक टिके रहते हैं और बारिश में भीगने पर भी नहीं निकलते हैं।
तो मूव ऑन कर लेते हैं अपने 8th हैक पे। यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे लिपस्टिक को लेके, हमें कोई भी क्रीम लिपस्टिक यहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, हमें ऑलवेज़ यूज़ करनी है मॉनसून सीजन में लिक्विड मैट लिपस्टिक, जिससे कि वो हमारी बारिश में भीगने पे भी ना निकले और एज इट इज़ रहे। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा है कि ये। और अगर आपको ज़रूरी है कि आपको क्रीम लिपस्टिक ही लगानी है तो मेक श्योर करें लाइट शेड भी लगाएं, न्यूड लिपस्टिक लगाएं, ताकि अगर वो फैले भी ना तो आपका बेस भी ख़राब ना हो और अजीब सा भी ना लगे देखने में। तो ये काफ़ी बढ़िया है कि ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे। तो नेक्स्ट हैक है मेरा मेकअप को फिक्स करने के लिए। मेकअप को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मानसून सीज़न है, हमारा मेकअप इंटैक्ट रहे पूरे दिन के लिए, इसलिए हमें मेकअप फिक्सर लगाना है एंड उसको ब्यूटी ब्लेंडर से बाद में डैम कर लें, ताकि हमारा जो भी बेस है वो एकदम परफेक्टली अच्छे से हमारा सेट हो जाए एंड फुल डे एज इट इज़ रहे। करते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे। तो नेक्स्ट हैक है मेरा यहाँ पे हाइलाइटर को लेके। तो हमें हाइलाइटर के लिए क्या करना है, यहाँ पे हाइलाइटर हमें जो लगाना है वो लगाना है लिक्विड हाइलाइटर, हमें यहाँ पे कोई भी पाउडर हाइलाइटर का यूज़ नहीं करना है, जिससे कि वो हमारा फुल डे एज इट इज़ रहे हाइलाइटर इधर से उधर ना हो, क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे जल्दी से निकल जाते हैं और जो क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर वीडियो को मेरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन होता है मेक श्योर उसको ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। और आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं आपको मेरी क्या वीडियो में क्या चीज़ गलत लग रही है या क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चल देन बाय गाइज़।